रोजाना ज्ञान वर्धक चीजों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपके राशि से रिलेटेड जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 28 अप्रैल 2021 बुधवार के आपके राशिफल के बारे में। सबसे पहले जिनका भी आज बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है उन्हें हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान गणेश जी की कृपा से आप दिन दोगुनी रात चौगुनी की तरक्की पर रहें। दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे आपकी खुशियों के साथ साथ ऐसी कौन कौन सी परेशानियां और कष्टों को लेकर आने वाली है जिससे आपको सावधान रहना है, और साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे आज आपकी ग्रहों की स्थिति कैसी रहेंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सब चीजों से लेकर आपके राशि पर क्या असर होगी हम पूरी विस्तार से जानेंगे। तो आप इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। जिन्हें वीडियो के अंत में काफी अच्छे विचार दिए गए आप जरूर देखिएगा, आपको काफी अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज 28 अप्रैल 2021 दिन बुधवार का है और महीना जो है वो बैसाख का शुरू हो चुका है। तिथि की बात करें तो कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि बन रही है जो कि यह ठीक सुबह के 5:14 से लेकर ठीक रात्रि के 1:34 तक चलेगा और इसके उपरांत कृष्ण पक्ष की तृतीया नामक तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र की बात करें तो विशाखा नामक नक्षत्र बन रही है जो कि यह ठीक शाम के 5:13 तक चलेगा और इसके उपरांत अनुराधा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। योग की बात करें तो व्यातिपात नामक योग बन रही है जो कि यह ठीक शाम के 3:50 तक चलेगा और इसके आगे वरियान नामक योग प्रारंभ हो जाएगा। चलिए अब जानते हैं सूर्य और चंद्रमा का समय। सूर्योदय का जो समय है वो रहेगा ठीक सुबह के 5:59 पर और सूर्यास्त का जो समय है वो रहने वाला है ठीक 6:49 पर शाम के, और चंद्र उदय का जो समय है वो रहेगा ठीक रात्रि के 8:24 पर और चंद्रास्त का जो समय है वो रहेगा ठीक सुबह के 7:38 पर। सूर्य राशि रहेगा मेष राशि पर और चंद्र राशि चंद्रमा तुला राशि इसके उपरांत वृश्चिक राशि पर संचार करेगा जो कि यह ठीक सुबह के 11:56 तक चलेगा। तो चलिए बात करते हैं आज का शुभ समय। तो आज के डेट में कोई भी शुभ समय नहीं है। अब बात करते हैं आज का अशुभ काल यानी राहु काल की बात करें तो यह 2:12:24 से लेकर ठीक 2:02 तक चलेगा। याद रखिएगा मित्रों, राहु काल के समय किसी भी शुभ कार्य को आप बिल्कुल भी ना करें वरना आपके कार्य में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं आ सकती है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं संघर्ष करते हुए मत घबराना क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है, सफलता के बाद तो पूरी दुनिया उसके साथ होती है। मौका सबको मिलता है, वक्त सभी का आता है, कोई चाल चल जाता है तो कोई बर्दाश्त कर जाता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है उसे कोई भी हरा नहीं सकता। जो आपके साथ बुरे हैं उनके साथ नौ अच्छे रहो और नौ बुरे सिर्फ उनसे दूरी हो जाओ। हर बात अगर दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे, इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बन के रहो। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको आप हवा में उछालते हो तो हंसता है डरता नहीं क्योंकि वो जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। चलिए अब बात करते हैं आपके डेली राशि फल की। अभी आपके अधिकारों में विकास या परिवर्तन हो सकती है। हम आपको बताना चाहेंगे आप कड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं और आपका निवेश अभी व्यर्थ नहीं होगा। दूसरे लोग आपकी प्रतिभा की सराहना करते हैं और आपको सकारात्मक प्रतिक्रिया या धन संबंधित इनाम देने के लिए भी तैयार हैं। हम आपको बताना चाहेंगे जहां प्यार है वहीं जीवन है, यह कहावत आज आपके लिए सच होने जा रही है। जीवन में आए संबंधों से आपकी जिंदगी खुशनुमा होगी। आपको बस ध्यान रखना है सकारात्मक मुद्दे भी हमेशा के लिए हल हो सकते हैं। आपको हम बताना चाहेंगे इस दौरान अधिक महान लोगों ने सफलता अपनी सबसे बड़ी विफलता के बाद ही हासिल की है, इसलिए असफलता से न घबराएं। अगर आपके करियर की बात की जाए तो जल्द ही आपके करियर में बड़ा परिवर्तन आएगा
वह हो सकता है कि आपको सरकार व संबंधित एजेंसियों के साथ काम करने का मौका मिले। यह समय अपने कौशल को गुणों का मूल्यांकन करने का है। हम आपको बताना चाहेंगे, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपने नेतृत्व में आप कंपनी को नए मुकाम तक ले जाएंगे। जहाँ प्यार है वही जीवन है, यह कहावत, और आपके जीवन में यह प्यार की कमी नहीं है। यह नया रिश्ता आपके लिए उत्तेजना लाएगी। हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आपको कुछ कमी महसूस हो रही है तो प्यार को तलाशने से न डरें। कुछ समय फुर्सत के पल भी आज आपके कार्ड में है। आपके पास जो भी है उसी में आप संतुष्ट रहने की कोशिश करें। चलिए अब बात करते हैं आपके लव लाइफ की। भाई बहन या पड़ोसियों की समस्या सुलझाने में व्यस्त हो सकते हैं। लव लाइफ के संकटों के कारण आप सामाजिक सर्किल से कट ऑफ करेंगे। दोस्तों के साथ घूमने फिरने या फिल्म देखने का आमंत्रण मिल सकता है। हम आपको बताना चाहेंगे, प्रेम में अधिकता और भावुकता अभी आपको परेशानी में डाल सकती है। आप बस ध्यान रखें, नए रिश्ते आपके जीवन में उमंग लेकर आएंगे। जो लोग रिश्ते में हैं वो जीवन की नई मिठास का अनुभव करेंगे, और जो लोग सिंगल हैं वो साथी की तलाश में व्याकुल हो सकते हैं। जीवन की हर समस्या का एक ही समाधान है, वो है रिश्तों की कद्र करें। अपने सोना के लिए समय निकालें और उससे प्यार का एहसास कराएं। दोस्तों, अगर आप इन बातों से सहमत हैं तो आप वीडियो को अभी लाइक जरूर कर दें और साथ ही कमेंट बॉक्स में ओम गणेशाय नमः जरूर लिख दें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।